कुछ ग्रे में होगा आपके पास? भैया शूट नहीं करने दे रहे, इसलिए मैंने शॉपिंग भी नहीं की। दूल्हा मिल गया है मुझे। अरे यार वाइट टी शर्ट टॉप तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। What's up people? Your favorite street shopping duo is back. मैं दीपाली और मैं दिव्यांशी लेके जाएंगे दिल्ली के एक अनसुने और अनोखे बाजार में और ढूंढेंगे एक सेलिब्रिटी लुक वाइल कम्पीटिंग विद ईच अदर। बट उससे पहले दीपाली, हाउ मेनी मार्केट्स वी हैव कवर्ड? 7 गाइस। सो डू वॉच आवर ओल्डर एपिसोड्स टू सी व्हाट ऑल मार्केट्स वी हैव कवर्ड एंड डू लेट अस नो इफ यू वांट अस टू रीविजिट एनी ऑफ दोस। बट उससे पहले ये एपिसोड देख लो, बिकॉज इस बार जो हम मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं उसमें आपको 50 के टॉप से लेके 300 के फुटवेयर तक सब मिलेगा। तो देख लेते हैं आज का लुक टू रिक्रिएट। Honestly, this is the first time I'm coming to Avantika Market. मैं काफी excited हूँ to explore something new. और वैसे जो ये मार्केट है ये गलियों गलियों में जाके नहीं है, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पैरेलल लाइंस, तो शॉपिंग काफी एट ईज हो जाती है। सो कम ऑन लेट्स एक्सप्लोर। When I hear him come like my fuse and then ba-bum. Later, see you later, I'm about to blow this up. You can sing my song if you want, I know you want it. It's always kind of funny, yeah, cause you know. आज हम आ गए हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अवंतिका मार्केट में। इस मार्केट के बारे में ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, बट रोहिणी के आसपास रहने वाले लोग और रोहिणी वाले लोग मेजरली शॉपिंग यहीं से करते हैं। टडान टडान टडान। गाइस दिस इज द ओनली मार्केट इन दिल्ली जो कि ब्रांड्स और कमर्शियलाइजेशन के गेम से बची हुई है। ये मार्केट रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर है, तो आपको रिक्शा या ऑटो तो लेना पड़ेगा। गाइस हम लोग मार्केट में तो आ गए हैं और आते ही ना मुझे खाने की बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, और खाना तो आपको पता ही है मुझे कितना पसंद है, बट यार हम खा नहीं सकते क्योंकि मैंने यहाँ के खाने के बारे में ना बहुत कुछ सुना है, तो इसलिए मैं खाऊंगी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे गेस्ट भी इस सैलॉन पहुँच गए होंगे यार, तो उनके पास पहुँचना है हमें जल्दी। हाय दिस इज शिवांगी। I have recently completed my graduation and right now I'm doing a diploma from Frankfurt. I'm Shrishti. I'm working as a software developer. Mere liye fashion is more about experimenting new looks, trying on new things every day. I commented on one of their videos and इन्होंने मुझे as a guest choose किया to come on this show. मुझे इनके show का concept काफी interesting और काफी intriguing लगा, जहाँ पे ये they try to achieve a budget look, try new things, experiment with new looks. And here I am. आज का जो हमारा लुक है वो काफी कैजुअल बॉस गर्ल लुक है, जिसमें अंदर एक वाइट टी है, ऊपर एक लॉन्ग ब्लेजर स्टाइल कोट है, नीचे एक ब्लू डेनिम है एंड पॉइंटेड हील्स। वैसे मार्केट तो ठीक ठाक लग रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत क्राउड है और साइड में रोड है, तो शोर शराबा तो होगा ही, जैसे कि हमें हर मार्केट में मिलता है इतना शोर शराबा, बट यहाँ पे बहुत है। दूल्हा मिल गया है मुझे। हाय। यार शूज दिखे थे, शूज ले लूं क्या पहले? भैया शूट नहीं करने दे रहे, इसलिए मैंने शॉपिंग भी नहीं की। आगे देखते हैं कुछ। आओ ऑप्शंस तो काफी हैं यहाँ पे। कुछ ग्रे में होगा आपके पास? मतलब ग्रे बेसिक चाहिए मुझे, अगर चेक्स में मिल जाए तो वो चेरी ऑन टॉप हो जाएगा। अच्छा भैया इसे पॉइंटेड हील्स में मेरे को दिखाएंगे? हाँ ये दिखा दो। साइज नहीं, मेरा साइज नहीं, वैसे ही दिखा दो। ये है फोटो। कुछ और ऑप्शंस नहीं होंगे आपके पास? अच्छा इसमें 5 नंबर मिल जाएगा? सारे साइज मिल जाएंगे। कितनी है? 550। कितने का देंगे? डिस्काउंट हो जाएगा। कितना? 10%। बेस्ट प्राइस, मतलब लेने वाला हो एकदम सबको आराम। 900 लग जाएगा। ओह भैया 900। अच्छा बताइए ना लेने वाला। 800 के। 800 मान लेती, बट अगर ये थोड़ा मोटा होता तो। अच्छा 400 का लगा लो। इतना डिस्काउंट थोड़ी ना होता, 10% डिस्काउंट रखा हुआ है बस। जायसी मांगते हैं, जायसी करते हैं। 350 रुपए लो। और ऐसे थोड़ी होता है। अरे प्लीज ना 350। 500 350 प्लीज। अच्छा आपकी दुकान का नाम क्या है? साई फुटवेयर। सुनो
साई फुटवेयर से भैया मुझे शूज़ दे रहे हैं, वो भी 400 का, तो आप साई फुटवेयर से ही शूज़ या जो भी आपको खरीदना वहीं से खरीदना, ठीक है? तो भैया मैंने आपकी मार्केटिंग भी कर दी, अब तो कर दो 400 में प्लीज। चलो दे दो 400। 350 rupees। 350 rupees का हमें ब्लेजर मिल गया है। मेरी बार्गेनिंग स्किल्स पे अब शक मत करना। स्मूथ लेयरिंग एंड ब्लेजर डिटेलिंग ये पूरे गार्मेंट का मेन फोकस है। और ये दीपाली कितना प्रिसाइजली नोटिस करेगी ये तो हम लुक रिवील के बाद ही देखेंगे। टी शर्ट चाहिए मुझे, टी शर्ट टॉप में। नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल अंदर दे दो, अंदर दिखा दो। अच्छा हाफ स्लीव्स में चाहिए। हां मिक्स है, नॉट शॉर्ट हो ना, मिक्स है। हाफ भी है, फुल भी है। अरे यार भाई टी शर्ट टॉप तो मिल ही नहीं रहा है यहां पे। भैया हाफ टी शर्ट में टी शर्ट टॉप मिल जाएगा? मतलब समर टी शर्ट इतनी भी चलेगी, हाफ भी चलेगी? चलिए ठीक है, थैंक यू। नहीं हाफ प्लीज हूँ ना, तभी मैंने बोला टी शर्ट में चाहिए। नहीं हाँ ऐसे में ही चाहिए। ये भी ऑप्शन निकालो, मैं बेस्ट सिलेक्ट करूँगी। ये निकालिए। अच्छा भैया थोड़ा लाइट शेड में दिखा दो ना, थोड़ा सा ऐसा कुछ और हो आपके पास और पीसेज में। ओह ये जाएगा हमारे लुक के साथ। ये वाला भैया कितने का पीस होगा? 200 का। मेरे को ये अभी तक सो फार सो गुड लगा है, बट मैं पहली बार अवंतिका मार्केट आई हूँ तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूंगी। कितने का है ये वाला? 750। यार ये तो बहुत महंगा है, मेरा बजट भी नहीं है इतना ज्यादा, और मैं बजट में लास्ट टाइम हार भी गई दिव्यांशी से। तो भैया लगा लो प्लीज, थोड़ा सा कम कर लो। 500 दे दो, ले लो। 350 में दे दो। इतना थोड़ी होता है। अरे भैया दे दो ना 350, ठीक है इसका। 400 दे देना बस। 350 पक्का? कितना फर्क रह गया 50 रुपीस का तो? हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, कितना फर्क रह गया, 50 रुपए का तो फर्क है। ले लीजिए। पॉइंटेड हील्स है भी आपके पास? ये वाला दिखाना। हाँ कितने का है? 550। साइज क्या है आपका? साइज मेरा तो 6 नंबर है, बट मुझे लेना 8 है। तो सबसे बड़ा साइज ये 8 नंबर है। 8 नंबर है? यार डेनिम तो मुझे पसंद नहीं आ रही है। बेस्ट प्राइस बताओ इसका। 450 का पड़ेगा आपको ये। 250? अरे लगा लो ना 250 का भैया। रेड की आएगी इतने में तो, ये हील की है। अच्छा 300 कर लो। अरे कर लो यार 350। चलो भैया 350। गाइज मैंने डेनिम ले लिया, गेस वॉट उन्हें शूट नहीं करने दिया। यहाँ पे इतनी बकवास शॉप है ना, आधी शॉप से तो शूट ही नहीं करने दे रहे हैं। बट मैंने जीन्स ले लिया अब 400 रुपये की। अब टॉप लेना है, चलो देखते हैं आगे। गाइज मैंने पूरी मार्केट में चक्कर लगा लिया बट मुझे व्हाइट टी शर्ट नहीं मिल रही है, और अब मैं उस दुकान पे वापस जा रही हूँ, बट मैं भागते हुए जाऊंगी। सो कम ऑन। दुकान कौन सी थी भूल गई मैं। ये है वो शॉप, आ जाओ। सो दीज आर द ओनली ऑप्शंस जो है मेरे पास, एक ये है। तो गाइज ये दो बेस्ट ऑप्शंस हैं एंड आई थिंक मैं ये वाला लूंगी। भैया आपके पास वाइट टी शर्ट में कुछ होगा जैसे, मतलब ऊपर कुछ प्रिंट में मिल जाए ग्रे में? सी आई थिंक आ जाएगा। कितने का है? 150 का ही देंगे। 100 लगा लो। ठीक है हाँ दे दीजिए। चलो फाइनली मिल गई यार। मिल क्या मुझे? तो गाइस मैंने डेनिम भी भैया से ले ली और टी शर्ट तो मैंने ले ही ली है। तो डेनिम मुझे 500 की पड़ी है और टी शर्ट 200 की, मतलब 700 में मैंने काम निपटा दिया है। अब फटाफट भाग चलते हैं हम लोग, क्योंकि मेरी तो सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ओह गॉड यार ये दीपाली फिर मुझे कार की तरफ दिख रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देख क्लियर तो है ही के टाइमिंग में कौन जीत रहा है, तो तू बता विनर कौन है। बता जल्दी, जीत जा बेटा जीत जा। आज इस बार के एपिसोड में बोल कि टाइमिंग का विनर कौन है, जल्दी बोल। थैंक यू गाइस।
चल गाड़ी में बैठ जल्दी से हम लोग सैलून में डिस्कस करेंगे हमारा बजट क्या है। This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Yeah, yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. Hi, Shivangi. Hi, Dipali. What's up? I'm great, great to be here. Yeah, मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं कराया? नहीं. तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज जो हम तुम्हारे साथ लुक अचीव करने वाले हैं वो है परिणीति चोपड़ा का। तो परिणीति चोपड़ा के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? I like her cute, bubbly nature. Well, the look is completely opposite. तो मुझे ये बताओ तुम्हें किस टाइप का मेकअप पसंद है? Usually मुझे न्यूट्रल मेकअप पसंद है, but I like to play around with my eyeshadow. तो जो आपका लुक है, मैं आपको बालों में I'll give you like big beach waves. Okay. ठीक है। Eyes में I'm not gonna add any drama. Okay. ठीक है, but I'm gonna give you like bold lips. Sounds perfect to me. जो हमने तुम्हारे लिए मेकअप सोचा है वो है ब्राउन स्मोकी आईज, पिंक लिप शेड एंड थोड़ा कंटूरिंग. Yeah. Okay. Let's get started. Let's get started. Guys, always make sure that you prep your skin before applying makeup. इससे जो आपका मेकअप होता है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है और जो फिनेस आता है वो काफ़ी स्मूथ आता है। आप अपनी स्किन कैसे प्रेप कर सकते हैं? पहले तो आप फेस वॉश यूज करिए, उसके बाद अप्लाई टोनर, एंड देन अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन केयर जंकी नहीं है सो यू कैन यूज एलोवेरा जेल। इफ यू आर अ बिगनर व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग आईलाइनर और आपको कैट आई बनाना है पर आपको कैट आई बनाना नहीं आता है तो प्लीज गो फॉर लाइक अ स्ट्रेट लाइनर बिकॉज दैट ऑल्सो काइंड ऑफ गिव्स अ सेम इफेक्ट। तो कैसी लगी अवंतिका? अवंतिका वॉज ओके बट लोगों को शायद ज्यादा पसंद ना आए और रोहिणी के हिसाब से कितना कम कलेक्शन था। हाँ यार, दैट टू आई एग्री बट बाकी मार्केट से कितनी डिफरेंट नहीं थी? डिफरेंट तो थी बट कलेक्शन तुझे एक्सपेंसिव नहीं लगा? हाँ, और लुक अचीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई यार। तो ये सब छोड़, तू बजट बता। तू बता बता बता। चल मैं ही बता देती हूँ, मुझे पता है वैसे मैं जीत रही हूँ। 400 डेनिम, 400 हील्स, 150 टी शर्ट एंड 350 ब्लेजर। तू बता। 350 ब्लेजर, 350 हील्स, डेनिम 500 और 200 की टी शर्ट। मेरा टोटल 1300 है। देख बजट में क्लियरली तो मैं तो उससे जीत गई हूँ और टाइम भी मैंने तो उससे कम ही वेस्ट किया है। चल चल लुक रिवील होने दे फिर बात करते हैं। हाँ लुक रिवील भी देख लेंगे यार, मुझे पता है मैं ही जीत रही हूँ जैसे मैंने शॉपिंग की है। लास्ट टू एपिसोड से कौन जीता तो है? मैं जीत जाऊंगी। लुक रिवील होने दो फिर बात करते हैं। देख लेते हैं, चल देख लेते हैं। आपको पता है कौन जीतेगा गाइस? मैं। वी विल सी। तो गाइस आप दोनों का अपना लुक कैसा लगा? मुझे तो अपना लुक काफी अच्छा लगा एंड मुझे अपने ब्लेजर काफी अच्छा लगे, स्पेशली द स्ट्राइप्स एंड इसके लुक शिवांगी के लुक में आई लाइक द एंटायर लुक ऑल इन ऑल, स्पेशली हर हर फ्लेयर्स। सो या आई लव माय एंटायर लुक एंड यस आई लव द ब्लेजर ऑफ कोर्स, द स्ट्राइप्स इन इट आर अमेजिंग। एंड अबाउट माय लुक, आई लव माय आई शैडो बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद माय आई शैडो। सो या तो सृष्टि, मुझे आपका आउटफिट ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज मुझे आपके फिट का नहीं पता था, बट ठीक है, मतलब इतना भी इट लुक्स नाइस। थोड़ा सा और कम्फी होता तो वुड हैव बीन अग्रीड। मुझे भी लगता है कि अगर ब्लेजर थोड़ा छोटा साइज में मिल जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। बाकी ऑल ओवर लुक तो बहुत सही है। यस एग्जैक्टली एंड आई लव द शूज। बाकी क्लियरली मैं जीत गई हूँ दिव्यांशी, तो उससे बजट में भी और लुक में भी क्लियरली मैं जीत रही हूँ। तो उससे जीत गई। Guys,
गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारे आज के लोकेशन पार्टनर्स फिगर इन फेस इज गौतम नगर। और गाइज, इफ यू वांट टू वॉच मोर सच एंटरटेनिंग वीडियोस, सो प्लीज सब्सक्राइब टू लिट फॉर ऑल थिंग्स लिट। और सुनो, जाते जाते घंटी भी बजा देना।